और हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर। देखिए देर मत कीजिएगा, नहीं तो शो मिस हो जाएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है मुस्कान का सेट, जहां नए नवेले दूल्हे राजा का स्वागत इस लड्डू वाले केक से किया गया है। हाल ही में शरद मल्होत्रा शादी के बंधन में बंधे हैं, लेकिन शूट में बिजी होने की वजह से कास्ट और क्रू के कई मेंबर्स शरद का ये बिग डे अटेंड नहीं कर पाए, लिहाजा सेट पर ही शरद की शादी का सेलिब्रेशन किया गया। शरद ने SBS से खास बातचीत में ये बताया कि शादी के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ना ही मांग में सिंदूर भरी मैंने, ना ही मंगलसूत्र है, ऐसा कुछ तो है नहीं यार, बट डेफिनेटली वो ये है और आई थिंक और जैसे पहले भी आई थिंक सब कह रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आई थिंक आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं आई थिंक टूवर्ड्स फैमिलीज सब चीज़ के प्रति, एवरीथिंग रिगार्डिंग एवरीथिंग। सो सब जानते हैं कि आई एम वेरी केयरफ्री और बहुत ही मस्त रहता हूँ, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आदमी हल्का सा ठहर जाता है। सो देखते हैं कब तक ये ठहराव रहेगा सब जानते हैं मुझे। सो या सो लेट्स होप कि सब अच्छा रहे और सब सुपर रहे, माइंड ब्लोइंग रहे। अपनी शादी से नदारद होने पर उन्होंने मुस्कान की भी क्लास ली। आप पूछा शादी में क्यों मिसिंग थे, आई थिंक ये आई थिंक संगीत में आई थी और बहुत डांस किया इन्होंने, वो मुझे सुनने में भी आया, मैंने देखा भी और पूरी कास्ट थी आई थिंक मेरी पूरी मुस्कान की कास्ट थी। शादी में कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग लेट फ्री हुए, तो कंप्लेन है सबसे, बात करूंगा जब सीन करेंगे तो पूछूंगा क्यों नहीं आए सब। अरे भाई देखो, अगर मुस्कान वहां पहुंच जाती तो मुस्कान बाकी के लोगों के चेहरे की मुस्कान अटक जाती, क्योंकि टेलीकास्ट अटक जाता। ओके, जब शरद से कसम के नए सीजन के बारे में पूछा गया तो वो सभी को विश करना नहीं भूले। सब जानते हैं कि कसम तेरे प्यार की बहुत स्पेशल था मेरे लिए, ऋषि सिंह बेदी और रणबीर कपूर दोनों मेरे बहुत फेवरेट कैरेक्टर्स रहे हैं, आई थिंक लोगों ने बहुत एंजॉय किया एंड या अगर ऐसा सच है और वाकई में आ रहा है, सो आई थिंक विशिंग एकता कपूर, एंटायर बालाजी जो इसे हैंडल करेगा, जितने भी हमारे जितने प्रोडक्शन के लोग थे, कास्ट जो पता है मुझे कौन कौन है, कृतिका है तो कृतिका ऑल द वेरी बेस्ट, शी विल रॉक इट, एंड पर्ल ऑल द वेरी बेस्ट यार, बहुत ही चिल्ड आउट है। फटाफट खबरों की गाड़ी का अगला स्टेशन है प्यार के पापड़ का सेट, जहां प्यार के पापड़ बेलने के चक्कर में शिविका अंदर हो गई है। ओमकार को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन शिविका ने पुलिस स्टेशन में चक्कर खाकर गिरने का नाटक किया ताकि ओमकार पुलिस स्टेशन से भाग जाए। ओमकार तो भाग गया, लेकिन महंत जी के सामने ही पुलिस ने उनकी बेटी शिविका को अरेस्ट कर लिया। सच के साथ खड़े रहने की, जो कि ये है कि ओमकार ने कुछ नहीं किया है और जगत मंगल भैया भी बेकसूर है, शायद मिसकम्युनिकेशन हो गया था गलती से, ओमकार की कंप्लेन का पेपर पुलिस के पास आ गया और उन्होंने ओमकार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है कि बाऊजी को ढूंढना है, तो इसीलिए उनको यहाँ से भगाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसके लिए अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो शायद गलत नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने भगाया ताकि बाऊजी का पता चले और वो जल्दी से मिल जाए, वो ज्यादा बड़ी कंसर्न है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का आखिरी स्टेशन है पटियाला बेब्स का सेट, जहां बबीता मिनी को लेकर परेशान है और वो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहती है, इसी बात के लिए वो इंस्पेक्टर हनुमान से मदद मांगती है, लेकिन सीन में हेल्प से ज्यादा दोनों के बीच में प्यार डेवलप होता नजर आ रहा था। ये तो खैर देखने वाले का दृष्टिकोण होगा, बस सिंपल सी बात है, मेरे पास जाने का साधन नहीं है जहाँ पे जाना है, तो उनकी हेल्प मैं मांग रही हूँ। अब वो क्या उस बारे में सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मेरी तो एक हेल्प है जो इंसानियत के नाते मैं उनसे मांग रही हूँ, शायद मेरी करेंगे।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है बावले उतावले का सेट, जहां पर फुंटी ने गुड्डू को दिया है एक मिर्ची टास्क, यानी कि गुड्डू को फुंटी का बना मिर्ची वाला खाना खाकर अपना प्यार साबित करना होगा। गुड्डू ये तीखा खाना खा भी रहा है और फुंटी के लिए अपना प्यार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।